नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा जी। आइए जानते हैं प्रदेश की आज के दिन भर की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में सॉफ्ट बॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, बैडमिंटन, बल्लेबाजी सहित कई खेलों का आनंद लिया। उन्होंने यहां लोहा पहाड़ी के सौंदर्यकरण के बाद खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए स्थानीय बच्चों के साथ खेलों का जमकर आनंद लिया। मुख्यमंत्री सॉफ्ट बॉल का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के बीच पहुंचे और उन्होंने सॉफ्ट बॉल खेल हाथ में अजमाए। यहां नवमी कक्षा की छात्रा रेणुका चेलक ने मुख्यमंत्री के लिए बॉल थ्रो किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सॉफ्ट बॉल स्टिक से जमकर हाथ चलाया। लगभग 10 बार उन्होंने लगातार बॉल को हिट कर अपनी फिटनेस, ऊर्जा और लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की अपनी भावना का यहां फिर से उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के इस अद्भुत प्रदर्शन की सभी ने प्रशंसा की। गौठाने से गरीबों को आर्थिक रूप से समृद्धि करने का सपना साकार होते देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री बघेल आज 2 दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान नगरपालिका द्वारा संचालित गौठान पहुंचे और विभिन्न रोजगारमूलक कार्यों में संलग्न महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री के गौठान पहुंचने पर खुश महिलाओं ने मुख्यमंत्री को गोबर से बने दिए, गमला, मूर्तियां भेंट की। छत्तीसगढ़ में आज 661 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 632 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 6 मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 3490 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। आज 661 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,79,231 हो गई है। वहीं अब तक 2,76,774 स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 8,966 हो गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक ग्रामीण को नक्सलियों के चुंगल से मुक्त करा लिया है। नक्सलियों ने 4 दिन पहले घर से उसे अगवा किया था। इस दौरान ग्रामीण को जमकर पीटा गया। इससे पहले कि नक्सली उसकी हत्या कर पाते, जवानों ने उसे रविवार को सुरक्षित बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला कटे कल्याण थाना क्षेत्र का है। तो ये थी प्रदेश की आज के दिन भर की प्रमुख खबरें। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक जरूर करें।